हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम उदय से वैसे सुबह आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल चल रही है। वीडियो का जो टाइटल है वो है तीन और को निपटाया, भारत चुन चुन कर कर रहा खालिस्तानियों का खात्मा, भारत बना नया इजराइल, ऑल आउट ऑपरेशन स्टार्ट। मतलब तीन और जो मतलब भारत ने शायद आतंकवादी जिनको डिक्लेयर किया था उनको उड़ा दिया। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे हमें, क्योंकि इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। दोस्तों, अपने दुश्मन देशों से बदला लेने के लिए अमेरिका, रशिया, चीन और इसराइल के बाद भारत का नाम भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, जो अपने दुश्मन देश को सबक सिखाने के लिए ऐसा सटीक प्रहार करते हैं जिससे वो जड़ से खत्म हो जाए। भारत लगातार आतंकवाद को खत्म करने के लिए काफी बड़े और खतरनाक कदम उठा रहा है। इन्हीं आतंकवादियों के जैसे खालिस्तानी आतंकवादियों पर भी भारत ने पक्की नकेल कसने का फैसला ले लिया है। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो बताती है कि दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे ऐसे खालिस्तानी आतंकी जो भारत को तोड़ने की प्लानिंग लगातार कर रहे हैं, उन सभी की बड़ी ही खुफिया तरीके से लगातार मौत हो रही है। हमारी आज की इस खास वीडियो में हम इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार कनाडा, ब्रिटेन और दुनिया के अलग अलग देशों में खालिस्तानी सपोर्टर्स द्वारा एंटी नेशनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी, जैसे कि ब्रिटेन की इंडियन एम्बेसी के ऊपर खालिस्तानी झंडे का लहराना, कनाडा के अंदर इंदिरा गांधी के एसोसिएशन को ग्लोरीफाई करके दिखाना और बाकी देशों में प्रोटेस्ट करके खालिस्तानी सपोर्टर का सड़कों पर खुलेआम प्रदर्शन करना, यह सभी चीजें भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। इन सभी खालिस्तानी आतंकवादियों के तीन सबसे बड़े जो लीडर थे वह सबसे ज्यादा भारत के लिए सरदर्द बने हुए थे। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि भारत की खुफिया एजेंसी इन आतंकवादियों को रोकने के लिए कई सारे सीक्रेट मिशन शुरू कर चुकी है, जिसके चलते बड़े ही रहस्यमय तरीके से इन लीडर्स की मौत होती जा रही है। हालांकि इस बात से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है कि ये तीनों ही आतंकी आपसी लड़ाई में मारे गए हैं या फिर भारत के किसी सीक्रेट ऑपरेशन का शिकार हुए हैं। हाल ही में कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की मौत हो गई है। जांच पड़ताल से पता चला है कि दो अनजान बंदूक धारकों ने अचानक से निज्जर पर दनादन गोलियां चला दी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हरदीप सिंह निज्जर एक बहुत बड़ा खालिस्तानी आतंकी था जिसके ऊपर भारत की NIA ने 10 लाख का रिवॉर्ड भी रखा था। ऐसा माना जाता है कि निज्जर के पाकिस्तान में कुछ ऐसे आतंकवादी दोस्त मौजूद थे जिनकी मदद से वह भारत के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को अंजाम देता था। वहीं पर दूसरे बड़े खालिस्तानी लीडर की मौत निज्जर से कुछ ही वक्त पहले ब्रिटेन में हुई है। ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ अवतार सिंह खांडा ने ही ब्रिटेन की इंडियन एम्बेसी के ऊपर हमला करवाया था। इतना ही नहीं, अवतार सिंह को खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का गुरु भी बताया जाता है। अवतार सिंह की मौत को लेकर कुछ का कहना है कि इसकी मौत कैंसर की वजह से हुई है, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि खांडा को जहर दिया गया है। इतना ही नहीं, अवतार सिंह खांडा से पहले यानी कि तकरीबन एक महीने पहले पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद लाहौर में खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना परमजीत सिंह पंजवड़ को भी बड़े ही खुफिया तरीके से मार दिया गया है। दोस्तों, इन तीनों की ही मौत बड़ी खुफिया तरीके से हुई है, जिस वजह से खालिस्तानी समर्थकों के बीच में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इनकी मौत पर ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इन्हें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने मार गिराया है। ऐसे में आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो इस वक्त ब्रिटेन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, ऋषि सुनक जिस देश के कुछ ही वक्त पहले प्रधानमंत्री बने हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से रिसेशन के खतरे से जूझ रही है। 1961 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन के गवर्नमेंट का डेब्ट उनकी GDP से ऊपर उठ चुका है। आंकड़ों की बात करें तो मई के आखिर तक UK का नेट डेब्ट 2.6 ट्रिलियन के पार जा चुका था। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर द गार्डियन का आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें ये खबर रिसेंटली पब्लिश हुई है। इसी वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट को एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ा है ताकि वह इस इन्फ्लेशन के खतरे से डील कर सके। एक महीने पहले खबर आई थी कि IMF ये दावा कर रहा है कि ब्रिटिश इकोनॉमी रिसेशन को अवॉइड कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि UK की इकोनॉमी 0.4% से ग्रो करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीच में कुछ महीनों के लिए इकोनॉमी में 0. कुछ% की ग्रोथ देखी गई, लेकिन फिर से नीचे की ओर से गिरने लगी। ब्रिटेन की GDP 2022 में 2 ट्रिलियन ब्रिटिश पाउंड थी, वहीं मई के आखिर तक ब्रिटेन का कर्ज ही 2.6 ट्रिलियन ब्रिटिश पाउंड के पार चला गया, यानी कि यूके की GDP से बड़ा देश का कर्ज है। इतना बड़ा डेब्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आने की तीन सबसे बड़ी वजह है। पहला ये कि एनर्जी स्कीम को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारी मात्रा में सब्सिडीज अपने देश में देनी शुरू की। अब ऐसे में अगर आप भारी मात्रा में सब्सिडीज दे रहे हैं तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आता है। ये सारा पैसा ब्रिटिश सरकार कई
सारी जगह से उधार लेकर अपने देश में मंगवा रही थी, जिसका भुगतान करने में वे इस समय असमर्थ हैं। दूसरा बड़ा कारण है इन्फ्लेशन लिंक्ड बेनिफिट पेमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्लान की हुई एक स्कीम थी जो पूरी तरीके से फेल हो गई। तीसरी सबसे बड़ी वजह है जिन देशों से या जिन जिन जगह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसे उधार लिया था अपने एनर्जी स्कीम में सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट भी देना होता है। यानी कि एक तरफ तो आपको कर्ज चुकाना ही है, दूसरी तरफ आपको उसका इंटरेस्ट भी लेना है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ब्रिटिश देखो भारत को तिरपंगा ले लेके आज मुझे डोर किया। देखो भारत से जिसने पंगा लिया उसका कोई हाल सही नहीं रहा। मैंने सही बात है, हमने खुद पंगा लिया, हमारा हाल देख लो भाई। ब्रिटिश ने लूटा है, उनका हाल देख लो। बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश हो गया, मतलब आजकल उसके भी हालात बुरे हुए हैं। जैसा कि भाई मतलब इंडिया से जो मतलब इंडिया को जिसने आंख दिखाई है उसका बुरा ही हुआ। और एक तुमने बात नोट किया, इंडिया जिसको साथ लेकर चला वो आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है। अमेरिका भी इंडिया के साथ, अमेरिका साथ, जापान को देख लो, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, यूएई को देख लो, सऊदी अरब को देख लो और मुख्तलिफ देश देख लो। इजिप्ट अभी कितना सुर्खियों में आ गया, कितना ऊपर चला गया यार भाई इंडिया के साथ। अब आते हैं इसकी तरफ, देखो तीन पाकिस्तानी उड़ा दिए, क्यों उड़ाए वो जाहिर बात है यार। देखो कोई भी देखो और उनकी किससे दुश्मनी थी, बिल्कुल साफ पता लगता है भारत नहीं उड़ाए होंगे भाई। तो यार रस्मी तौर पर एक महीने से इतनी मौतें हो रही है, तो अचानक से तो नहीं हो रही ना, तो नहीं अचानक से तो नहीं हो रही ना, पहले क्यों नहीं होती, पहले क्यों नहीं होती जब से। और दूसरी बात मैं एक और बात करना चाहूंगा, देखो भारत की सिक्योरिटी पे जो भी करेगा भारत लाजमी बात है वो करेगा यार, कोई भी देश हो यार वो लाजमी करेगा। भारत की सलामती पर अगर बात आएगी तो भारत किसी, मैं कहता हूँ किसी को पता ही नहीं चलता। अगले फड़ फड़कते जा रहे हैं यार, अगले को ऐसा किसी को पता ही नहीं, जहर का मार रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रही है इंडिया से, और सबूत का पता ही नहीं चलता भाई कौन था कौन नहीं था। कह रहे हैं भाई इंडिया से पंगा इज नॉट चंगा, जिन्होंने लिया उन सबके साथ बहुत बुरा हो रहा है वाकई में। ये बात तो है यार, सब बेशक वो कंट्रीज हो या लोग हो जो भी हो वो मतलब भारत की गिरफ्त से बच नहीं पा रहे और उनकी सही बैंड बजी जा रही है। सही बैंड बजाई जा रही है और ऐसी बैंड बजाई जा रही है, मैं कहता हूँ कि वो हिल नहीं पा रहे अभी। और दूसरी बात, ब्रिटिश ने जिन जिन देशों के मतलब हाई लिया है वो अब उसका काम होगा ऐसा ऐसा। अब देखो उन पे बुरा टाइम आ गया, बहुत उछलते थे हम ये हैं वो हैं, लो कंट्रीज पे भी आ रहा। हाँ अगर तुम सारे यूरोप कंट्रीज देख लो उन पे भी यही हाल चल रहा है यार, उधर भी बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन यार। यही तो बात है भाई, ये देख लो मतलब इस तरह सिर्फ इंडिया तरक्की कर रहा है बाकी डूबे हुए सारे, बाकी जो है ना वो। और हम तो खाली 1. मतलब 105 110 20 30 बिलियन डॉलर पर होते हैं, ये हमारे लिए फिर भी बहुत ज्यादा है। लोगों का कितना कितना कर्जा है, लेकिन वो देखो डेवलप्ड कंट्रीज थे ना, हम तो डेवलप्ड भी नहीं, हमारी डेवलपिंग भी नहीं है। आपका कैसे डेवलपमेंट है, कॉन्वर्सेशन में हम लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे।